हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके द हिंदू, जो कि KHNIJ खनिज विदेश, ओके खनिज विदेश इंडिया में एक रिक्वायर्ड लिथियम एसेट इन ऑस्ट्रेलिया एज पर रहा। सो ये एक्चुअली हिंदू से लाया गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए, जो कि जून 16 में होने वाला है, तो फिर इसमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि द हिंदू इज ऑल अबाउट मेकिंग द करंट अफेयर्स मोर प्रोमिनेंट एंड मोर विजिबल, राइट? सो दैट्स द रीजन वाई आई कम अप विथ दिस कंटेंट ऑन पोस्टिंग द हिंदूस मेन टॉपिक, जो जो मेन स्पेशली जो आता है, राइट? तो उसी के कंटेंट में हम पढ़ाई करेंगे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरह बन सके। ओके, सो खनिज विदेश इंडिया में रिक्वायर्ड लिथियम एसेट इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाट आर द की पॉइंट्स? सो की पॉइंट्स क्या क्या है? पहला पॉइंट है कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, और हम बोल सकते हैं उसको कि KABIL कबिल, ओके, जॉइंट वेंचर बिटवीन 3 PSU। ठीक है, 3 PSU का एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है। सो उसका एम्स टू एक्वायर लिथियम ब्लॉक्स इन ऑस्ट्रेलिया विद इन द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सो एक्चुअली ये क्या करता है, बिकॉज एक्चुअली इसका मेन इंटेंशन क्या है कि इट एनहांसेस इंडियाज एफर्ट्स टू सिक्योर मिनरल एसेट्स ओवरसीज। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड पॉइंट में जो हम डिस्कस कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि दिस एक्वेशन अंडरस्कोर इंडियाज कमिटमेंट टू एनर्जी ट्रांजिशन, एज लिथियम इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, जो कि हम बैटरीज जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर EV में यूज करते हैं, राइट? सो ये प्रोग्राम जो कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड से जॉइंट वेंचर प्रोग्राम PSU में जो अंतर्गत आता है, तो EV प्रोडक्शन को उत्पादन करने या फिर इंक्रीज करने में बहुत ही बड़ा हाथ या फिर योगदान दे सकता है, फोक्स। सो दैट्स द मेन इंटेंशन ऑफ दिस। सो स्टोरेज या फिर एनर्जी स्टोरेज या फिर एनर्जी सिस्टम इंटीग्रेशन भी हम बोल सकते हैं या फिर मान सकते हैं। सो गिवन द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ लिथियम इज अ ग्लोबल एनर्जी सेक्टर, ओके, इन द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर, सो दिस मूव वुड सिग्निफिकेंटली बूस्ट इंडियाज कैपेबिलिटी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में। ठीक है, तो उसके बाद अनलाइक अर्जेंटीना, ठीक है, एक्वायरिंग लिथियम एसेट्स इन ऑस्ट्रेलिया में बी मोर कॉस्टलियर। ठीक है, नेसेसिटी एंड इंक्रीज इन काबिल्स पेड अप कैपिटल करेंटली एट 100 करोड़। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट, ठीक है, जो कि अर्जेंटीना भी एक्वायर करना चाहती है ऑस्ट्रेलिया का लिथियम आयन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। तो उसके अंतर्गत हम जो जो या फिर हम मान सकते हैं कि फ्यू क्वेश्चंस इसके अंतर्गत आता है। पहला क्वेश्चन, जस्ट फॉर अपोलोजाइज फॉर फॉर्मेट इश्यू कुछ होगा तो इसमें, ठीक है, तो UPSC 2017 में जो क्वेश्चन आया था, द क्वेश्चन ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी प्रोसेस, ओके, जो कि मेन्स में आया था, राइट? सो एनालाइज इंडियाज एनर्जी पॉलिसीज कॉपरेशन विथ वेस्ट एशियस कंट्रीज। ठीक है, तो वेस्ट एशियन कंट्रीज जो कि हम मान सकते हैं, बायलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, हाउ द आंसर शुड बी, हाउ द कैन से हाउ द स्ट्रैटेजी यू विल बी मेंटेनिंग टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हेन एवर इट ट्रिगर्स इन द पेपर ऑफ UPSC प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन, सॉरी। सो द क्वेश्चन इज ऑल रिलेटेड टू इंडियाज इकोनॉमी प्रोग्रेस, एनालाइजिंग द एनर्जी प्रोडक्शन पॉलिसी कॉपरेशन एंड द रिलेशन बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, राइट? सो दीज थिंग्स यू हैव टू, दीज वर द की वर्ड्स आई कैन इवन से, सो दीज की वर्ड्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू एनालाइज द थिंग्स, मैनिपुलेट द थिंग्स एंड गिव यू पिक्चर ऑन हाउ टू डिस्क्राइब दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द की वर्ड्स। सो आई पर्सनली रिकमेंड यू, ठीक है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप की वर्ड्स जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको रिलेट करके आप मान सकते हैं या फिर अपना आंसर फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो या इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो राइट एंड पेस्ट इन द डिस्क्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ इमेज, आई विल बी एनालाइजिंग दैट एंड आई विल बी गिविंग यू कॉमेंट एज सुन एज पॉसिबल। सो सेकेंड क्वेश्चन जो कि आया गया है या फिर दिया गया है या फिर आ चुका है अप्रैल या फिर 2012 में आया है कि रिसेंटली देर वॉज, ओके, तो रिसेंटली देर हैज बीन ए कंसर्न ओवर शॉर्ट सप्लाई ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ओके, कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो पहला वाई क्यों है, क्योंकि पहला है चाइना, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज एलिमेंट्स, हैज इम्पोज्ड सम रिस्ट्रिक्शन टू देयर एक्सपोर्ट्स। अदर
देन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिल, दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी कंट्री. सो रेयर अर्थ मटेरियल आर एसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड देर इज ए ग्रोइंग डिमांड ऑफ दीज एलिमेंट्स. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. तो आप कमेंट में डाल सकते हैं इसमें से कौन सा राइट आंसर है. ठीक है, तो यस दिस इज ऑल अबाउट मेल 12th ऑफ मे हिंदूस एनालिसिस भी आप बोल सकते हैं, राइट. सो या So this is all about today's video analysis, folks. I hope you have enjoyed the session. So do not forget to give the comments in the comment section. Thank you.